और उधर पन्ना के अजयगढ़ में बारिश का मौसम शुरू होते ही गांव के सभी रास्ते नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं। दरअसल आजादी के 72 साल बाद भी इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते ग्रामवासियों को बारिश के 4 महीने गांव में ही कैद रहना पड़ता है। इस दौरान गांव के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते। आपको बता दें कि यहां के निवासियों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कि मतलब कोई भी नेता कोई आवत है तो आश्वासन भरते दिए थे और हमारे कोई सुनाई नहीं है। मतलब आज तक वही तरह अंधेर में पड़े हैं। तो सब तुम्हारे देखा करवाओ, एक पहिया है दूसरी पहिया तैयार करो, हम दूसरी पहिया भी तैयार कर दिया, लेकिन आज तक हमारे यहाँ का कोई विकास कोई काम नहीं किया गया। कई जगह आदमी जो उन्हें तो मर चुके, उन्हें जो उन्हें तो रोड की समस्या के कारण मतलब नहीं जा पहुंचे हम इस लेकिन उन्हें अस्पताल तक। अब आज की समस्या में ही रास्ता में ही ट्रैक्टर जगह पे आया है, मान लिया दिखबे भी हुई है ये भाई है। और जो है तो कहा यह है नेता आके नहीं अपन वो किन है ना, एक ही बात में कोई सुनाई नहीं है। मतलब जहाँ उनके बनगा बोर की बात का संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप जी, आखिर क्या कारण है कि अजयगढ़ में बारिश का मौसम शुरू होते ही गांव के सभी रास्ते नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं और ग्रामीण इससे खासे परेशान होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज तक अधिकारियों ने यहाँ पर आकर सुध भी लेना नहीं समझा? हेलो संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क नहीं आ रहा है जी। संदीप जी, आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पन्ना के अजयगढ़ की यहाँ पर बात की जा रही है। आप ये सोचिए कि सड़कों का जाल बिछाने की बात की जाती है, लेकिन अजयगढ़ जहां पर बारिश का मौसम शुरू होते ही इन ग्रामीणों को डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि अब गांव से 4 महीने ये लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, अपने जरूरी काम नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह के कामों को लेकर। या ये समझ लीजिए कि अगर किसी की यहाँ पर कोई बीमार हो जाए परिवार में, तो उनको भी ले जाने में इन्हें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सड़कों की हालत आप देख लीजिए, नदी नालों में पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं, बारिश का पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि वाहन भी, यानी कि पैदल चलना तो मुश्किल है ही, लेकिन वाहन भी यहाँ पर नहीं चल पाते हैं और उसके साथ ही जो वाहन है वो वहीं गिर जाते हैं। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार हैं उन्हें किसी तरह की कोई सुध नहीं है। मामले को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन गंभीरता इस मामले में बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही। तस्वीर देखिए आप, ये दिखा रहे हैं आपको कैसे एक ट्रैक्टर वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहीं पर फंस जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब वाहन नहीं निकल पा रहे तो यहाँ के ग्रामीण पैदल कैसे चल पाते होंगे। और दूसरी तरफ बातें ये की जाती है कि पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। संदीप शुक्ला संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आखिर क्यों इतनी गंभीर समस्या है और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इतनी गंभीर तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे यहाँ के ग्रामीण 4 महीने मजबूर हो जाते हैं खुद को कैद करने के लिए। आपको बताना चाहूंगा, ये अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत धर्मपुर का ये मजरा है, ये ग्राम मजरा कोररा है। यहाँ पर मतलब तो सड़क है न यहाँ बिजली, और कई वर्षों से इसी तरह चलाया आ रहा है। मतलब जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, चुनाव के समय वहाँ पहुँचते हैं और बाकी दिन नहीं पहुँचते। इनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार भी किया गया, फिर भी नहीं कोई अधिकारी पहुँच रहा, ना कुछ सड़क बन रही, जो कि 4 महीना ये बारिश के 4 महीना कैद रहते हैं। और यहाँ कोरडा में कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी इसी बात से कि वहां से मतलब कोई बीमार भी पड़ जाए तो नहीं निकल पाते, तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता ना वो वहां से निकल पाते। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है संदीप जी की कितनी गंभीर यह समस्या है कि यहाँ पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे वहां से लेकर भी नहीं जाया जा सकता, यानी कि
अपनों की आंखों के सामने ही कोई अपना यहाँ पर दम तोड़ देता है। वो कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर सड़क की जो सुविधा है वो यहाँ पर मुहैया नहीं करवाई गई। ऐसे में नहीं लगता है संदीप जी कि जो चुनाव होते हैं 5 साल में एक बार चुनावी जो मौसम है वो आता है, शायद अब लगता है कि ये जो मौसम है वो बारिश में आना चाहिए। कम से कम एक बार इन जनप्रतिनिधियों को पता तो चले कि आखिर वोट मांगने तो हम जा रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को किस तरह से परेशानी होती है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इन ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। चुनाव के बहिष्कार में अधिकारी लोग जाते हैं, बोल देते हैं कि यहाँ निर्माण होगा, चुनाव वोट डाल दो फिर निर्माण होगा, हालांकि निर्माण नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं वो भी वो वोट मांगने जाते हैं कि यहाँ निर्माण करवाएंगे, नहीं निर्माण हो रहा। इसी तरह क्यों नहीं हो रहा संदीप जी, बड़ा सवाल ये है ना कि क्यों आखिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, क्यों इस गांव की अनदेखी की जा रही है। सड़क तो छोड़िए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्यों आखिर इस गांव की अनदेखी की जाती है। ये मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि खुद अपनी बातों से मुकर रहे हैं, इससे कि अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक ने खुद पहुंच कर मैं सड़क बनवाऊंगा, निर्माण कराऊंगा, अगर अब विधायक जी से बोले कि निर्माण वो करवाइए तो वो उनका कहना है कि हाँ करवाएंगे करवाएंगे बस। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप जी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उन जनप्रतिनिधियों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पर वोट मांगने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन ग्रामीणों की किस तरह से अनदेखी की जाती है आप खुद देख लीजिए।